ने और हमारा साथ 9 एमपी लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में फ्रॉम पार्टी ऑफिस, दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद हो पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे गया है। और 2022-23 का जो बजट हुआ था, वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रुक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है, आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और ये दफे भी मीट करके जा रहा हूं। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन का जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बाद दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकता है ऑफिसर टू ऑफिसर, एंड दे कैन डिसाइड द फॉर्मूला इन फेडरल स्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द शेयर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द शेयर, तो वी आर नॉट गेटिंग द शेयर फ्रॉम द सेंट्रल शेयर फॉर द पुअर पीपल। दैट्स वाई हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है, ये हम लोगों ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम दो ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। इतना तक हमारा साथ डिस्कशन हुआ है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन। देखिए ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे। मैं आज आया था, हम लोग कहा है कि हम लोग बोला था मीटिंग का टाइमलाइन एक होना चाहिए, सुदीप बंदोपाध्याय ने इशू रेस किया था, हम लोग बोला था, तो उन्होंने कहा है हाँ हाँ हम टाइम बाइंडिंग करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माय पार्लियामेंट्री पार्टी, दे आर एनफ टू रिप्लाई द क्वेश्चन, देयर इज अ सिस्टम, आई डोंट इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट्री पार्टी बिजनेस, सो यू कैन आस्क सुदीप बंदोपाध्याय एंड डेरेक ओब्रायन, दे आर एनफ टू गिव द रिप्लाई। टोटल कितना अमाउंट बाकी है और क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1,16 crore रुपया बाकी है, 16,000 करोड़, और क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका पीएम? इसका हम कहा है, इसी के लिए पीएम ने कहा है कि ऑफिसर को एक ज्वाइंट मीटिंग करा देंगे, जैसे इसको कोई हाल निकाल सकता है। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे, इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। पीएम को लेकर मैं जो चाहती हूँ कि 100% वीवीपैट काउंटिंग होना चाहिए। ममता जी मैडम, एक सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगा इसको जो भी डिसीजन होगा, लेकिन आप टीएमसी के सबसे बड़ी नेता के तौर पर क्या मानती है कि ये मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति? क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता, तो समर्थन कर रहे हो इसका मतलब? आप समर्थन कर रहे हैं इसका? बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं कटेंगे। ममता जी एक सवाल और, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने मेनका गांधी का नाम प्रपोज किया था, सब बात मैं आपको कहेंगे,
जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया। प्लीज आप लोग अच्छा रहिए, मेरे को शुभकामना है नौ साल के लिए और मेरी क्रिसमस, मेरी मेरी क्रिसमस।